सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका आपकी हिंदी की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पाठ 9, जो जिसका नाम है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि क्या है, कैसा है, कितना है, ठीक है। इन सब सवालों के जवाब मिलते हैं, कैसा, कितना, कहाँ है ना, सॉरी कहानी कितना मोटा है, पतला है, काला है, थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, 3 है, 6 है, ये भी आपके विशेषण होते हैं सब, ठीक है। जो भी आपके नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ ज़्यादा बताते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इसमें, आपको पहली पिक्चर में देखिए, उसकी गाय सफ़ेद है। तो उसकी गाय के बारे में बात हो रही है। गाय आपका यहाँ पर संज्ञा है, तो गाय के बारे में ही कुछ एडिशनल और बताया है कि वो सफ़ेद है। तो गाय कैसी है? सफ़ेद। अगला देखिए, एक बूढ़ा आदमी जा रहा है। आदमी कैसा है? बूढ़ा। अगला, जंगल में कुछ हिरन है। हिरन है, कितने हिरन है? कुछ। नेक्स्ट, मुझे थोड़ा दूध दो। दूध दो, कितना? थोड़ा। तो ये सब संज्ञा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये होते हैं आपके विशेषण। और इसी के साथ साथ आप एक चीज़ और सुनिए कि जिस भी जो विशेषण, तो आपको समझ में आ गया क्या शब्द होते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, कुछ क्वालिटी या गुण भी हो सकते हैं, उसमें दोष भी हो सकते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं काला, वह आदमी काला है, तो काला भी इसका विशेषण हो गया, क्योंकि वो उसके बारे में बता रहा है, ठीक। तो जिसके बारे में बताया जाता है उसको कहते हैं विशेष्य। ये बात ध्यान से सुनिए, जो बात बताई जाती है, जो क्वालिटी बताई जाती है, वो तो होती है विशेषण। काला, पतला, मोटा, अंधा, नीला, लंबा, 6, ठीक है, बहादुर, ये सब तो उसकी क्वालिटी हो गई। तो ये तो हो गए विशेषण। लेकिन जिसके बारे में बोल रहे हैं ये सब, वो होता है विशेष्य। समझ आया? जैसे इसमें पहले वाले ही एग्जांपल लेती हूँ मैं, उसकी गायें सफ़ेद हैं। तो सफ़ेद तो यहाँ विशेषण है, लेकिन ये सफ़ेद किसके बारे में कहा गया है? गाय के बारे में। तो यहाँ पर गाय जो है वो विशेष्य है। तो जो आपका ये नीचे वाला टॉपिक है विशेष्य, ये क्लियर हो गया। तो विशेषण यहाँ पर सफ़ेद है और गाय विशेष्य। इसी तरीके से अगला जो एग्जांपल था, एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, तो यहाँ पर बूढ़ा तो उस आदमी की विशेषता बताइए, लेकिन ये बूढ़ा किसके बारे में कहा गया है? आदमी के बारे में। तो आदमी जो है वो विशेष्य है। इसी तरह जंगल में कुछ हिरन है, हिरन की विशेषता बताई गई है, तो हिरन विशेष्य हो गया। विशेषता क्या बताई गई है? कुछ। तो कुछ जो है वो विशेषण हो गया। मुझे थोड़ा दूध दो, दूध के बारे में बात हो रही है, तो दूध विशेष्य हो गया। क्या बात हो रही है? कितना दूध? थोड़ा, विशेषण हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसके भेद जान लेते हैं। इसके विशेषण के भेद 5 होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। गुणवाचक यानी कि जिसमें हम सिर्फ गुण बताते हैं या दोष बता सकते हैं। इसमें नीचे देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है कि इसमें गुण, दोष, रंग, आकार, दशा यानी कंडीशन, कैसी कंडीशन है, बीमार है, कमजोर है, बूढ़ा है, जवान है ना, स्वस्थ है, ये सब कंडीशंस हैं आदमी की। तो ये उसके बारे में बताते हैं। तो ये सारी ही जो, ये सब गुणवाचक में आते हैं, ये सारे ही वर्ड्स आपके गुणवाचक में आते हैं। इसमें अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, और रंग भी हो सकता है, शेप भी हो सकती है, और उसकी कंडीशन भी हो सकती है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, छोटा है, है ना। तो ये सब आपका गुणवाचक में आता है। अगली आपकी आती है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें आप संख्या से बताते हैं, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, वो संख्या के द्वारा बताते हैं। जैसे नीचे आपको एग्जांपल भी गिवन है, मुझे 6 केले चाहिए, तो केले के बारे में बताया गया है, कितने? 6। तो संख्या में बताया गया, इसलिए संख्यावाचक हो गया। अगला है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है नापतोल। तो परिमाण यानी कि जब हम नाप में
कोई चीज़ नाप के या तोल कर बात करते हैं उसके बारे में कुछ एडिशनल बताते हैं तो वो विशेषण कहलाता है। जैसे 4 किलो आम दो, तो आम चाहिए कितने चाहिए 4 किलो, तो ये तोल बताया गया है तो इसलिए परिमाणवाचक है। इसी तरीके से गाय को थोड़ा पानी पिला दो, ये भी नाप ही एक तरह से नाप बताया गया कि थोड़ा पानी पिला दो, है ना। तो इसमें भी आपके दो टाइप के होते हैं, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। जैसे यही दो एग्जांपल ले लेते हैं, निश्चित में तो फिक्स हो गया कि आपको इतने ही मिलेंगे, जैसे 4 किलो आपने आम मांगे थे तो आपको 4 किलो ही आम मिलेंगे। अगला आपका है इसमें थोड़ा पानी, तो थोड़ा में आपको ये नहीं पता चल रहा, फिक्स नहीं पता चल रहा कि गाय को पिलाना है कि 1 बाल्टी पिलाना है, 2 बाल्टी पिलाना है, ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है, तो ये हो गया आपका थोड़ा, यहाँ अनिश्चित हो गया, अनिश्चित वाचक सर्वनाम सॉरी विशेषण। अगला आपका आता है इसमें सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि वैसे तो वो शब्द सर्वनाम होते हैं लेकिन वो वहां पर विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे नीचे आप एग्जांपल देखिए, इसमें पहला एग्जांपल है वह आदमी कहाँ चला गया, तो आदमी की बात हो रही है, कौन सा आदमी, वह आदमी, ठीक है, यहाँ उसकी विशेषता बताई जा रही कि वो वाला आदमी, लेकिन वह क्योंकि शब्द जो है वो सर्वनाम है इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट होता है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में यानी कि जब आपको आप फिक्स कर देते हैं, स्पेशली आपको पता चल जाता है किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, जिन किस जो आपका विशेषण होता है वो फिक्स हो जाता है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल दिए, इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी अमरूद यानी अमरूद लेकिन इलाहाबादी, जो इलाहाबाद से आए हैं वही वाले अमरूद, कोई भी यहाँ वहाँ उगा हुआ अमरूद नहीं, ठीक है। इसी तरीके से मुरादाबादी लोटा, क्योंकि मुरादाबाद जो है वो बर्तनों के लिए फेमस है, तो मुरादाबादी लोटा यानी जो लोटा मुरादाबाद से मैन्युफैक्चर होके आया है वो वाला, तो यहाँ पर आपने क्वालिटी जो है वो फिक्स कर दी कि वही वाला चाहिए, ठीक है। इसी तरह नागपुरी संतरे। अब आता है इसमें एक और चीज आपको बताई गई है, विशेषण की अवस्थाएं, अवस्थाएं यानी कि डिग्रीज, डिग्रीज कहते हैं हम इनको इंग्लिश में, जानते हैं पहली होती है मूल अवस्था, मूल अवस्था यानी कि जस्ट हम सिंपल आप उसकी विशेषता बता रहे हो, आप उसका जस्ट ये बता रहे हो कि वो सुंदर है, मोटा है, पतला है, काला है, ठीक है, ये तो हो गई मूल अवस्था। दूसरा आता है उत्तर अवस्था, उत्तर अवस्था में आप किन्हीं भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे मैं बोलती हूँ कि दो बहनें हैं और हम उनको कंपेयर कर रहे हैं कि छोटे वाली बड़ी से सुंदर है, तो ये जो है ये कंपैरिजन हो गया, हमने विशेषता बताई कि छोटी सुंदर है लेकिन हमने उसको कंपेयर कर दिया उसकी बहन के साथ कि छोटे वाली बड़ी से सुंदर है, ठीक है, तो ये हो गया उत्तर अवस्था। नेक्स्ट होती है उत्तम अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ी होगी, अगर इंग्लिश में ईएसटी लगता है, बेस्टेस्ट या सॉरी बेस्ट तो बेस्ट या किसी भी चीज में थिनेस्ट फैटेस्ट है ना, तो ईएसटी लग जाता है बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, इंग्लिश में हम इसको सुपरलेटिव डिग्रीज कहते हैं, हिंदी में उत्तम अवस्था यानी कि सबसे सबसे ज्यादा या सबसे बुरा भी कह सकते हैं, मतलब सबसे लग जाता है पूरे सब सबसे कंपेयर करके जब हम कहते हैं, जैसे यहाँ आपको एग्जांपल भी गिवन है, यह कमरा सबसे बड़ा है, हम सब में से ही बता रहे हैं इसको कि बेस्ट ये है, ठीक, तुम सबसे सुंदर हो, तो जो भी आसपास है हम उन सब में से सबसे सुंदर बता रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गए आपकी उत्तम अवस्था। तीन अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था जब आपने सिंपली उसको बता दिया कि आप सुंदर हैं, मैं खाली सुंदर ही लेती हूँ, सुंदर है। दूसरी अवस्था उत्तर अवस्था, जहां आप दो में आपस में कंपेयर कर रहे होते हो कि ये तुमसे ज्यादा सुंदर है। तीसरी अवस्था उत्तम अवस्था, जहां आप सबके साथ उसको कंपेयर करके उसे बेस्ट घोषित कर रहे हो कि आप सबसे सुंदर है। क्लियर हुई ये तीनों अवस्थाएं। चलिए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं।
इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। गुलाब का फूल सुंदर है, इसमें आपको विशेषण और विशेष्य दोनों बताने हैं, यानी कि विशेषण तो क्वालिटी हो जाएगी, क्या क्वालिटी बताई गई है, क्या आपको एडिशनल बात बताई गई है उस चीज के बारे में, और जिस चीज के बारे में बोला जा रहा है वो आपका विशेष्य हो जाएगा। जैसे गुलाब का फूल सुंदर है, तो क्वालिटी क्या है? सुंदर, और किसके बारे में बताया जा रहा है? गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल हो गया आपका विशेष्य। नेक्स्ट, दूसरे दिन वह मेरे पास आया, दिन के बारे में बताया जा रहा है, विशेष्य हो गया। क्या बताया जा रहा है? दूसरे दिन, संख्यावाचक। अगला, उसके घर में एक काली गाय है, गाय के बारे में बताया जा रहा है, गाय विशेष्य हो गया, काली विशेषण। उसने हमने उसे एक गिलास दूध दिया, दूध के बारे में बताया जा रहा है, दूध विशेष्य है, एक गिलास विशेषण। कुछ लोग, लोग यहां विशेष्य है, कुछ विशेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 3, यहां आपको विशेषण बताना है, साथ ही साथ उसका उसका आपको टाइप बताना है, भेद बताना है कि कौन क्या भेद है उसका। पहला, कमरे के सामने लंबा बरामदा है, था लंबा, इन्होंने हाईलाइट करके दिया है आपको ऑलरेडी विशेषण, यहाँ पर लंबा है, तो आपको सिर्फ ये बताना है ये कौन सा है। तो ये क्वालिटी है बरामदे की, गुणवाचक हो गया। मुझे थोड़ा पानी दो, थोड़ा नाप है, तो परिमाणवाचक हो गया। क्या यह लड़का तुम्हारा मित्र है? ये सार्वनामिक हो गया। यहाँ जयपुरी लहंगा, लहंगा है, आपने फिक्स कर दिया कि मुझे जयपुरी ही चाहिए, यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया। नेक्स्ट, बीमार बूढ़ा, ये गुण हो गया, बूढ़ा है, कैसा है? बीमार। मैंने आपको बताया था कि गुण में आपके दोष भी आ सकते हैं। 200 ग्राम चने, 200 ग्राम चने, ये परिमाण हो गया क्योंकि नाप तोल बता रहे हैं। एक छात्र, यहाँ संख्या बताई जा रही है, संख्यावाचक हो गया। जो आ गया, ये सर्वनाम है, जो विशेषण की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो सार्वनामिक हो गया। बनारसी साड़ी, ये व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक, अगला पेज ले लेते हैं। यहाँ पर ये चौथा प्रश्न जो है ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। नीचे दिए गए विशेषणों के बाद आपको उपयुक्त विशेष्य लगाना है, अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। कड़वा क्या, जैसे कड़वा करेला, चालाक लोमड़ी, आप कुछ भी इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी समझ से। नेक्स्ट, नंबर 5 पर चलते हैं। वाक्यों के सामने दिए गए निर्देश के अनुसार विशेषण की अवस्थाएं बदलिए। आपको अवस्थाएं बदलनी हैं। आपको बताया गया है वह समझदार लड़का है, इसमें आपको उत्तम अवस्था करनी है, यानी उत्तम यानी थर्ड वाली, तो यहाँ पर सबसे लगाना है आपको, तो वह सबसे समझदार लड़का है। इसी तरीके से रमेश मेहनती है, इसको आपको उत्तर यानी सेकंड वाली अवस्था करनी है। ये रमेश उससे ज्यादा मेहनती है, आप उससे की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, अपने भाई से ज्यादा, या रमेश मोहन से ज्यादा मेहनती है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, आपको सिर्फ कंपेयर करके दिखाना है। मोहन कक्षा में सबसे अच्छा है, इसको आपको मूल अवस्था में करना है क्योंकि उत्तम अवस्था में दिया हुआ है, सबसे लगा के दिया हुआ है, तो हम मूल अवस्था में कर देंगे, मोहन अच्छा है। नेक्स्ट, कोई धातु सोने जितनी महंगी नहीं है, उत्तम अवस्था में करना है, सोना सबसे ज्यादा महंगा महंगी धातु है। वह उतना बड़ा नहीं है जितना उसका भाई, ये कंपेयर किया गया है, यानी आपको ये उत्तम उत्तर अवस्था में करना है, उसका भाई उससे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर सिक्स लेते हैं। इसमें आपको सही विकल्प छांटने हैं। सफेद हंस आकाश में उड़ रहा है, आपको बताना है इसमें विशेष्य कौन है, यानी किसके बारे में क्वालिटी बताई गई है। विशेषण तो सफेद है, लेकिन किसके बारे में कहा जा रहा है? ये हंस के बारे में कहा जा रहा है, तो हंस जो है आपका विशेष्य है। कौन सा विशेषण संख्यावाचक है? चार केले, बनारसी साड़ी या काला कोट? संख्या आनी चाहिए संख्यावाचक में, तो चार केले। मेरा पेन, ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाण या सार्वनामिक? क्योंकि मेरा एक सर्वनाम शब्द है, उसको विशेषण की तरह इस्तेमाल किया है, तो इसलिए सार्वनामिक। गीता ने सबसे मधुर गीत गाया,
सबसे मधुर, तो ये उत्तम अवस्था है, उत्तर अवस्था है, मूल अवस्था, ये उत्तम अवस्था है। ठीक, तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज अपनी ग्रामर की बुक में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।